नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो वायरल अड्डा में। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी मजेदार और वायरल वीडियोस जिन्हें देखकर आप भी हो जाते हैं हंसते हंसते लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं वायरल वीडियोस का ये सिलसिला और देखते हैं आज की पहली वायरल वीडियो को। सोशल मीडिया पर वैसे तो खतरनाक सांपों के बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने एक शख्स पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया है, जिसने बिना डरे दर्जनों सांपों को नंगे हाथों पकड़ लिया और पूरा इंटरनेट देखकर ये हैरान है। वीडियो में आप देख सकते होंगे कि कैसे एक युवक अपने हाथों में एक नहीं बल्कि दर्जनों सांपों को हाथ में उठाए हुए है और बिना किसी डर के वीडियो बना रहा है। वह इस वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान हैं और युवक की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर एक जुमला या कहे कि एक कैप्शन वायरल होता है। ये कैप्शन है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर। जब भी कोई देसी जुगाड़ दिखाई देता है या फिर अनोखा कारनामा नजर आता है तो इसी कैप्शन के साथ उसका वीडियो वायरल होता है। एक ऐसा ही मजेदार जुगाड़ इंस्टाग्राम पर फिर से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक टू व्हीलर चालक को ऐसी जुगाड़ की क्या जरूरत पड़ गई। आप भी देखिए वीडियो और जरा सोचिए कि क्या वाकई ये जुगाड़ किसी काम का है या नहीं। वीडियो में पहली नजर में टू व्हीलर को देखने के बाद आप यकीनन उसे दोबारा जरूर देखेंगे ताकि आपको अपनी आंखों पर यकीन हो जाए, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो सच है। इस टू व्हीलर पर उसकी सीट की जगह सच में टॉयलेट सीट ही लगी है। इस गाड़ी का चालक जैसे ही इसके पास आता है पहले अपने रिमोट से उसे स्टार्ट करता है। गाड़ी का एक्सेलेटर घुमाते ही सीट में पानी फ्लश होता भी दिखाई देता है और इसके ठीक बाद उसी सीट पर बैठकर युवक वो गाड़ी चलाता हुआ भी दिखता है, जिस पर कैप्शन लिखा है, स्कूटी नहीं ये टॉयलेट है। सफर ट्रेन का हो या फिर बस का, यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा कैसे करनी है इसको लेकर ज्यादातर लोग सतर्क रहते हैं और जहां नजर हटी वहीं दुर्घटना घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बात का उदाहरण देता एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिससे लोग सीख ले रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक लड़का प्लेटफॉर्म छोड़ रही ट्रेन में बैठे एक यात्री का मोबाइल खिड़की से झपट्टा मारकर गोली हो जाता है। महज 6 सेकंड के इस वीडियो को देखकर अब लोग रेलवे सुरक्षा बल से स्टेशन पर कड़ाई की मांग कर रहे हैं ताकि मोबाइल स्नैचिंग के मामले रोके जा सके। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये क्लिप आखिर कब और किस स्टेशन का है। वीडियो देखकर समझा जा सकता है कि मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने के बाद भी सतर्क रहना कितना जरूरी है। भारत में रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन के सफर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यूं तो ट्रेन का सफर सुरक्षा भरा होता है, लेकिन कई बार लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन में लटक लटक कर सफर करते नजर आते हैं। हाल ही में ट्रेन से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है, जिसे देखकर लोग हक्के बक्के रह गए हैं। वायरल हो रहे दिल दहला देने वाले वीडियो में कुछ लोग ट्रेन की छत पर सोते हुए सफर करते दिख रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी। लोगों की यह हरकत उनकी जान पर भी बन सकती है। सोने के दौरान किस और करवट लिया जाए, कब ट्रेन की छत से फिसलकर तेज रफ्तार से नीचे गिरकर जानलेवा हादसा हो जाए, किसे पता। हमारे देश में जुगाड़ लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है और ऐसा ही जुगाड़ का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर एक हेलीकॉप्टर चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ रंग बिरंगी सजावटी लाइट्स लगी हैं। इस अजीबोगरीब गाड़ी को देख लोग हैरान रह गए और हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर ये है क्या। पहली नजर में ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर सी नजर आती है। विंग से लेकर फैन तक इस मॉडिफाइड कार में सब कुछ लगा है। सामने बैठकर ड्राइवर इस कार को चला रहा है। वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा है, बिहार में कुछ भी संभव है। वीडियो देख लोग ढेरों अजब गजब कमेंट्स कर रहे हैं। बता दें बिहार और यूपी में शादियों के साथ आजकल ऐसी मॉडिफाई गाड़ियां खूब इस्तेमाल की जा रही हैं। वहीं इस वीडियो को अब तक 1.1 मिलियन बार देखा जा चुका है। वीडियो पर ढेरों मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। खैर, आपको हमारी आज की वायरल वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।